नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है, बिल्कुल जो सीरीज चल रहा है जीआईसी लेक्चरर और एलटी बायोलॉजी का, जो बिल्कुल पैटर्न चल रहा है, आज का हमारा यह तीसरा लेक्चर है। और हम आपको बता दें कि एक दिन में आपको दो लेक्चर मिलेंगे, एक तो दोपहर के समय और दूसरा आपका टाइम फिक्स है 9:30 बजे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में देखते हैं, हम सवाल के बारे में बात करते हैं। इससे पहले पहले लेक्चर में हमने जो है बिल्कुल सिलेबस की बात किया था, और दूसरे लेक्चर में हमने जो बात किया था वो बात किया था क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में, ठीक है। और चलिए, इसका एक मैं आज प्लेलिस्ट बना दे रहा हूं, उसमें आपको पूरी वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए, आज का जो तीसरा लेक्चर है हमारा सवाल, देखिए सवाल के बारे में अगर हम बात करें दोस्त, यहां एल्गी तो आप देख रहे हैं, एल्गी सवाल इसे कहा जाता है सामान्य रूप से सी वीड्स। क्या कहते हैं दोस्त? सी वीड्स अर्थात समुद्री खरपतवार हैं। ये क्या है? समुद्री खरपतवार हैं, समुद्री। अब इसे देखिए, एक चीज और बता दें, समुद्री खरपतवार, एक बात और थोड़ा सा याद ध्यान रखिएगा इसमें। देखिए आपको बता दें, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, लगभग 90% प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वो शैवालों के द्वारा ही होती है, जो कहाँ होते हैं? समुद्रों में पाए जाते हैं। क्योंकि ऐसे सोच लीजिए कि ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा हुआ, ऑक्सीजन हमको मिला, अगर मान लीजिए जहाँ रेगिस्तान है वहाँ पर भी लोग जिंदा हैं, तो उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है? तो ऑक्सीजन जो विद्यमान है वायुमंडल में, इसका पूरा का पूरा जो स्रोत है वो है क्या? शैवाल है, ठीक है। तो चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। देखिए टर्म एल्गी है, टर्म एल्गी किसने सबसे पहले यूज किया? तो ये है इसे संबंध में लिनियस। लिनियस ने टर्म जो एल्गी है वो सबसे पहले यूज किया था। किसने? लिनियस ने दोस्त, ठीक है। अब स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी अथवा एल्गोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी अथवा एल्गोलॉजी कहा जाता है। किसके अध्ययन को भाई? शैवालों के अध्ययन को कहा जाता है, ठीक है। अगली पॉइंट क्या है, अगली खास बात देखिए जरा दोस्त, कह रहा है फादर ऑफ फाइकोलॉजी। आप देखिए, फाइकोलॉजी के पिता किसको कहा जाता है? तो फाइकोलॉजी का पिता किसको कहा जाता है? तो फादर ऑफ फाइकोलॉजी इज नोन एज फ्रिच, एफ ई फ्रिच को कहा जाता है। फ्रिच को कहा जाता है क्या? कहा जाता है फादर ऑफ फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी कह दीजिए, ठीक है। इनके पिता कहलाते हैं कौन भाई? फ्रिच। ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। और इनकी पुस्तक कौन है भाई? जो फ्रिच हैं, इनकी पुस्तक क्या है? स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एल्गी, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी, ठीक है। अब देखिए अगली पॉइंट्स क्या है कि फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी। अब भारतीय जो शैवाल विज्ञान है उनके जनक, देखिए एक तो शैवाल विज्ञान के जनक हो गए कौन, या फिर फ्रिच हो गए, लेकिन भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक कौन है? वो है एम ओ पी अयंगर। कौन है दोस्त? एम ओ पी अयंगर को कहा जाता है क्या? फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी, ठीक है। इन्होंने एक खोज किया था दोस्त, किसकी खोज किया था? जो कौन? एम ओ पी अयंगर ने खोजा था क्या? डिस्कवर्ड टेरेस्ट्रियल एल्गा, एक स्थलीय शैवाल की खोज किया था, टेरेस्ट्रियल एल्गा की खोज किया था, उसका नाम रख दिया फ्रिस्चेला ट्यूबरोसा, अपने गुरुजी के नाम पे। इनके गुरुजी कौन है? या फिर फ्रिच हैं, इन्हीं के नाम पर रख दिया फ्रिस्चेला ट्यूबरोसा। ये फ्रिस्चेला जो ट्यूबरोसा है, ये आपको बता दें एक्वेटिक नहीं होता, कैसा होता है? ये टेरेस्ट्रियल एल्गा है दोस्त, और इसकी खोज किसने किया था? एम ओ पी अयंगर ने, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट्स आपकी समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट देखिए दोस्त, हम आपको बताते हैं, आगे चलते हैं इसमें। देखिए अगर जनरल कैरेक्टर की अगर बात करें हम शैवाल के जनरल कैरेक्टर के बारे में, तो ध्यान दीजिए जनरल कैरेक्टर के बारे में अगर हम बात करें सामान्य लक्षण, तो देखिए बॉडी थैलस, थैलस कहते हैं इसको हिंदी में, कहेंगे सुकाय। क्या कहते हैं दोस्त? सुकाय। सुकाय का मतलब इनका जो शरीर होता है, इनका तंतुवत एक तंतुवत भांति होता है, इनका जो शरीर होता है जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होता है, नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीफ। जड़ तना पत्ती में शैवाल जो है, इसका शरीर जो थैलस कहलाता है, इनके शरीर को थैलस कहा जाता है, तो जड़ तना पत्ती में विभाजित नहीं होता है, ठीक है। नो रूट स्टेम एंड लीव्स। अब देखिए यहाँ पर बात आती है अगली खास बात, ये जो होते हैं ऑटोट्रॉफिक होते हैं शैवाल, क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, क्योंकि अपना भोजन ये स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। लेकिन अब इसमें अगर हम बात करें क्लोरोफिल की, तो मुख्य रूप से देखिए क्लोरोफिल ए, इसमें जो क्लोरोफिल ए होता है वैसे तो होता है, क्लोरोफिल ए भी होता है इसमें, और बीटा कैरोटीन होता है। क्या होता है? बीटा कैरोटीन होता है। लेकिन क्लोरोफिल ए किसके रूप में होता है? एज देयर प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, इनका प्राथमिक जो है प्रकाश वर्णक होता है कौन? क्लोरोफिल ए। इनका प्राइमरी जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है वो होता है किनका? शैवालों में क्लोरोफिल ए होता है। एंड विच लैक स्टेराइल कवरिंग,
सेल्स अराउंड द रिप्रोडक्टिव सेल्स। देखिए जो इसमें रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं उनके चारों तरफ जो कोशिका होती है, स्टेराइल जो सेल्स होती हैं अर्थात जैकेट, इसमें जैकेट नहीं होती है। ठीक है दोस्त, इसमें जैकेट नहीं होती है। अगला पॉइंट क्या करा है, अगले पॉइंट्स को देखिए। थैलस रेंजेस, इसमें जो थैलस का रेंज होता है लगभग कहाँ से कहाँ तक, पहली बात माइक्रॉन से मीटर तक होते हैं, इनकी जो लंबाई है वो माइक्रॉन से कहाँ तक होती है, मीटर तक, इतने लंबे होते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म माइक्रॉन में, बड़े से बड़े मीटर में। और थैलस रेंज देखिए यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर, मतलब एक कोशिकी से कहाँ तक होते हैं, ये बहुकोशिकी तक होते हैं इनका, ये थैलस इनका सवालों का जो थैलस है एक कोशिकी से ये बहुकोशिकी तक होते हैं। अगली खास बात देखिए जरा, यहाँ पर सेलवाल, इसकी कोशिका भित्ति जो बनी होती है सेलवाल मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन, किसकी बनी होती है भाई, सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है, मुख्य रूप से ये होते हैं इनकी किसकी कोशिका भित्ति में। और अगली खास बात तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे यार, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, टिश्यू सिस्टम अब्सेंट, इसमें क्या होता है, इसमें टिश्यू सिस्टम क्या होता है, अब्सेंट होता है, ये बात आप तो बिल्कुल नोट ही कर लीजिए। ठीक है, अगली देखिए अगली खास बात क्या है कि रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है वो क्या होता है, संचित भोज्य पदार्थ किसके रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है मेरे मित्र, किसके रूप में, स्टार्च के रूप में होता है, इसमें संचित भोज्य पदार्थ, स्टार्च बोले तो C6H10O5 पूरे का ओलियन, ठीक है, सेलुलोज अथवा स्टार्च, ये रिजर्व फूड के रूप में होता है, कौन, स्टार्च। ठीक है, अब देखिए इसमें एक अगली खास बात और है मेरे भाई, इसको तो आप भूलना ही नहीं, इसको तो आप बिल्कुल नहीं भूलना, क्या है अगली खास बात, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन अब्सेंट इन साइनोफाइसी, मतलब देखिए साइनोफाइसी में क्या होता है, लैंगिक जनन अब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है बिल्कुल साइनोफाइसी के सदस्यों में। साइनोफाइसी किसे कहते हैं, जिसमें आते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल जैसे नॉस्टॉक हो गया, नवीना हो गया, ये क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। अगर आ जाए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट इन क्लेमाइडोमोनास स्पायरोगायरा नॉस्टॉक, ऐसे दे दिया तो यहां पर आप बता दें जो नील हरित शैवाल है जैसे नॉस्टॉक है तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, अब्सेंट होता है, तो ऐसे ही घुमाता है। तो आप ये बात तो भूलना ही नहीं मेरे भाई, इसको तो आप बिल्कुल भूलना ही नहीं, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट इन साइनोफाइसी, साइनोफाइसी बोले तो ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, नील हरित शैवाल। अगली क्या विशेषता है इसकी, अगली विशेषता भी आप देख लीजिए बिल्कुल फटाक से देख लीजिए। देखिए इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी किस किस के द्वारा कैसा कैसा संभव है लैंगिक जनन, वो देखिए आइसोगैमस भी होता है समयुग्मकी, मतलब इसमें जो गैमीट होते हैं, आइसोगैमस में क्या होता है कि जो मेल और फीमेल, मतलब प्लस या माइनस आप समझ लीजिए, तो दोनों कैसे होते हैं, बिल्कुल ये सेम होते हैं, ठीक है, फिजिकल ये रूप में बाहर से देखने में दोनों लगभग क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो ये हो गए आइसोगैमस। एन आइसोगैमस का मतलब क्या है, एन आइसोगैमस एक ठो बड़कुआ रहेगा तो दूसरा का छोटकुआ रहेगा, समझ रहे, ये क्या हो गया एन आइसोगैमस। और उगैमस क्या होता है, उगैमस प्रकार का एक ठो नॉन मोटाइल रहेगा और दूसरा का कैसा रहेगा भाई, ये मोटाइल रहेगा, तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा उगैमस प्रकार का। तो इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है वो आइसोगैमस भी हो सकती है, एन आइसोगैमस भी हो सकती है, उगैमस भी हो सकती है, तीनों प्रकार की हो सकती है, ठीक है। अगली खास बात क्या है कि इसमें जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, ठीक है, सेक्स आर्गन यूजुअली यूनिसेलुलर, यानी जो इसमें सेक्स आर्गन होते हैं भाई वो कैसे होते हैं, सामान्य रूप से एक कोशिकी होते हैं। अगर यहाँ पर इफ मल्टी सेलुलर देयर इज नो जैकेट, अगर वो बहुकोशिकी हैं तो वहाँ पर कोई जैकेट नहीं होगी, कोई बाहर से उसके जो घेरने वाली परत होगी, जैकेट लेयर उसमें नहीं होगी, ठीक है, अगर कैसा है वो मल्टी सेलुलर है तो, ठीक है। और एक अगली खास बात और देख लीजिए भाई कि जाइगोट नेवर फॉर्म्स द एम्ब्रियो, यहाँ पर जो जाइगोट होता है मतलब आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट जानते हैं निषेचन के बाद बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट फॉर्म द जाइगोट, ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, ठीक है, निषेचन कहलाता है, कि नर तथा मादा युग्मक के संयुग्मन से जाइगोट बनने की क्रिया क्या कहलाती है भाई, कहलाती है निषेचन, ठीक है। अब इसमें जैसे निषेचन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट बन जाता है तो उसके बाद जाइगोट नेवर फॉर्म द एम्ब्रियो, अर्थात ये फिर एम्ब्रियो नहीं बनाता, इससे यहां पर भ्रूण का निर्माण नहीं होता है मेरे भाई, ठीक है। अगली खास बात क्या है, अब यह तो जनरल कैरेक्टर में हो गया, इन बातों को आप नोट कर लीजिएगा, जैसे मैं बात बता रहा हूं इनको, जिस पर मैं डबल स्टार ट्रिपल स्टार लगा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, यहां पर देखिए लाइफ साइकिल में भी हैप्लॉन्टिक,
लाइफ साइकिल इसकी देखिए, जो जीवन चक्र है इसका में भी हो सकता है कैसा हैप्लॉन्टिक हो सकता है, मतलब इसमें आगुणित अवस्था प्रभावी हो सकती है, डिप्लॉन्टिक हो सकता है मतलब ज़्यादा ज़्यादा लंबी प्रोसेस द्विगुणित अवस्था वाली हो, या डिप्लो हैप्लॉन्टिक पहले डिप्लॉयड हो, टू एन हो फिर एन हो, समझ रहे हैं। हालांकि इनकी मैं बात करूंगा अभी विस्तार से, ठीक है, क्योंकि हम आपको बता दें इसमें आपको क्या पढ़ना है। मैंने बताया था इसका सिलेबस पहले लेक्चर में हमने दे दिया है। एलगी के बारे में यहाँ जीनस आपको नहीं पढ़ना है भाई, जीनस नहीं पढ़ने हैं, जैसे टीजीटी पीजीटी में था तो यहाँ जीनस आपको नहीं पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है, कॉमन पढ़ना है, और कॉमन में क्या पढ़ना हैबिट, हैबिटेट, स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन, इतनी ही बात आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फिर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में भी, इसमें पीढ़ी एकांतरण कैसा हो सकता है मेरे भाई। पीढ़ी एकांतरण यहाँ पर आइसोमॉर्फिक भी हो सकता है अथवा हेटरोमॉर्फिक भी हो सकता है। आइसोमॉर्फिक अथवा हेटरोमॉर्फिक मतलब ये जब ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब ये समान भी हो सकता है, मतलब जैसे क्या आ गया स्पोरोफाइटिक फिर गैमेटोफाइटिक, तो इन दोनों के जो प्रोसेस है वो लगभग लगभग बराबर भी हो सकते हैं और एक छोटा और एक बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो आइसोमॉर्फिक और हेटरोमॉर्फिक अथवा हेटरोमॉर्फिक भी हो सकता है। आइसोमॉर्फिक किसमें होता है, जैसे अलवा हो गया और इक्टोकार्पस हो गया, ये दोनों याद रखिएगा मेरे भाई, ठीक है। कैसे याद करेंगे, अब आप स्वर जानते हैं ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, तो आप शुरू यही तीन तक चलिए ना, ये दो काट दीजिए, काट देंगे तो देखिए आइसो, आई से आइसोमार्फिक, आइसोमार्फिक किसमें होता है, अलवा में होता है और इक्टोकार्पस में, किसमें, अलवा में होता है और इक्टोकार्पस में होता है। कैसा भाई है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, आइसोमार्फिक, आइसोमार्फिक टाइप का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किसमें होता है मेरे भाई, अलवा में और इक्टोकार्पस में, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए अब यहाँ बात आती है कुछ स्पीसीज की, आखिर कितनी जातियाँ हैं सवालों की, तो भाई कितनी जातियाँ हैं, नियर अबाउट पूरी अगर वर्ल्ड की हम बात करें, किसकी बात करें वर्ल्ड की, एक तो बात करेंगे विश्व की और दूसरी की बात करेंगे इंडिया की, ठीक है। अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो विश्व में इसकी लगभग 28,305 स्पीसीज हैं अबाउट, ये सब किसमें हैं नियर अबाउट में, ठीक है, नियर अबाउट में है, नियर अबाउट अर्थात लगभग इसकी जातियों की बात कर रहे हैं, अभी नहीं कि गुरु जी इतना तो नहीं होती हैं, 28,205 होती हैं, 305 का है बता रहे हैं, तो मेरे भाई थोड़ा सा आप ऐसा नहीं इतना नहीं गुस्सा जाइएगा, ठीक है। 28,305 लगभग इसकी जातियां होती हैं, इतनी जातियों में इनके जिनेरा कितने हैं भाई, 2,475, ये कितने पूरे वर्ल्ड में हैं। और इंडिया की अगर बात करें, किसकी बात करें दोस्त, अगर इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में 5,136 स्पीसीज हैं और 6,6,6 लगातार हैट्रिक लगा दिया 6 भाई, तो ये इतने क्या हैं जिनेरा, कहाँ पर, इंडिया में हैं। युवराज ने तो 6 छक्के लगातार लगा दिया था स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंद पर, समझ रहे हैं, और ये तो बिल्कुल इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, ठीक है। तो हम तो यही आपको कहेंगे कि मेहनत करिए भाई, अगर मेहनत आप करते रहे तो इतिहास क्या पूरा भूगोल ही बदल देंगे, समझ रहे हैं। एक कहावत भी है कि अगर रिस्क से इस कर लिया तो कसम से इतिहास नहीं पूरा भूगोल बदल देंगे। तो दोस्त हम आपको बार बार बताते हैं कि आप लोग इतना मेहनत कर दीजिए, इतना मेहनत कर दीजिए, देखिए कोई परीक्षा 1-2 महीने में नहीं आती। आप देखिए बहुत सारे लोग यहाँ से गायब हो गए हैं, अभी तक लाइव में देख रहे थे कितनी संख्या जाती थी, पूरी भीड़ आ जाती थी, लेकिन सब भाग गए फिर से अपने काम धंधा में लग गए। तो इस तरह से परीक्षा थोड़ी ना निकलती है, ये कोई खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का, समझ रहे हैं। क्या 2 साल से जो 1 साल से लगा हुआ है बंदा जो मेहनत कर रहा है, क्या वो तेल बेचेगा क्या, अगर आप 1 महीने पढ़ करके 15 दिन में पढ़ करके पूरी परीक्षा फाइट कर लिए। हाँ अगर 1 महीने में 2 महीने में अगर आपको पढ़ना है तो मेरे भाई फिर रिश्तेदारी नहीं, फोन पे कोई बात नहीं, प्रेमी प्रेमिका की कोई बात नहीं, आपको पूरे तन मन धन से भी पूरे जुट जाना है, तब तो परीक्षा निकलेगी, अन्यथा फिर सब्जी मंडी में तेल ही बेचेंगे, समझ रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूं बार बार, अब जैसे देखिए बहुत लोग आ गए हैं कह रहे हैं गुरु जी LT GIC LT की वैकेंसी आने वाली है क्या, अरे आने वाली क्या यार, ऐसी क्या बात है, जब आपको पढ़ना है तो अभी से जुड़ जाइए ना, आप दूसरों के क्यों पीछे पढ़ रहे हैं, कहीं नहीं जब आ जाएगी तभी देखेंगे, जब आ जाएगी तो क्या अंडा देखेंगे, खाक देखेंगे, अभी से मेहनत करो मेरे भाई, अभी से मेहनत करेंगे तभी सफलता मिलेगी, समझ रहे हैं। ये जो है अगर कहें, हम कहें सफल हो ना हो ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो बहुत ही गलत बात है, समझ रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, जब किसी भी टारगेट को अगर पूरा करना है, सपने आपने देखा है उसको साकार करना है, तो आपको मेहनत
करना ही पड़ेगा। दूसरों की नकल ना देखो कि जब परीक्षा आएगी, अगर आपको पहलवान बनना है तो क्या एक हफ्ते में आप पहलवान बन जाएंगे? क्या कहेंगे कि भाई, मैं उदाहरण लेता हूँ कि कोई पहलवान, अगर सुशील पहलवान की अगर मैं बात कर लूँ तो कह देंगे कि भाई सुशील ने तो बड़ा पहलवानी जीत लिया, अब उसने पूछिए उसके दो साल पहलवानी की तैयारी करने में आप पूरा कितना काजू बादाम किशमिश खा गए थे, अब कोई अब वो बता दे कि मैंने जो है 2 लाख का पूरा काजू बादाम किशमिश खाया था, दूध पिया था, समझ रहे, अंडे वंडे खाया था, तो आप कह दीजिए कि नहीं मैं तो 1 महीने में पूरे 2 या 4 लाख का खा लूँगा, तो उतनी आपकी क्षमता होनी चाहिए ना, 4 लाख का आप 1 महीने में खा पाएंगे? पेट वही फट जाएगा, मर जाएंगे, पूरा सपना चकना चूर हो जाएगा और कभी पूरा भी नहीं हो सकता, समझ रहे हैं। तो ये पढ़ाई है, कोई मजाक नहीं मेरे दोस्त, ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये शॉर्ट कर प्रोसेस नहीं है। हमारी बात हालांकि बुरी लगती है, ठीक है, अब इसमें भी लेकिन बुरी लगे तो क्या, सच बात कड़वी होती ही है, समझ रहे हैं। चलिए अगली खास बात क्या है उसकी तरफ भी हम बढ़ रहते हैं दोस्त, ठीक है। देखिए हैबिटेट की अगर बात करें, हैबिटेट की अगर बात करें तो मोस्टली ये कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, जो सवाल होते हैं कैसे होते हैं, ये जल में होते हैं। कहाँ होते हैं? जल में, जलीय होते हैं। लेकिन अभी मैंने बताया था भाई, कौन जो ट्यूबरोसा, कौन ट्यूबरोसा, फ्यूसचिएला ट्यूबरोसा, वो कैसा है, स्थलीय शैवाल है। लेकिन ये मुख्य रूप से कैसे होते हैं, ये एक्वेटिक होते हैं। और इसके अलावा क्या क्या हो सकते हैं, देखिए एक्वेटिक में भी हैं तो क्या क्या हो सकते हैं, पहली बात फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, मैराइन भी हो सकते हैं, और कुछ रेड एल्गा होते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं, कुछ बेंथिक होते हैं, और कुछ एडवांस होते हैं। तो क्या होते हैं उनको देख लिया जाए। देखिए फ्रेश वाटर जैसे हैं, हम आपको बता दें, हम कमेंट वमेंट पढ़ने का खाली थोड़ी क्यों ना है, कुछ लोगों की आदत होती है कि नहीं वही बतिया बार बार पेस्ट करते हैं, समझ लो, करो खूब करो, हमसे का लेना देना है, समझ रहे हैं। लेकिन हाँ, जवाब देते हैं, अभी देखिए बिल्कुल बैठे हैं सहायक जी, उनसे आप अपने प्रश्नों का उत्तर ले सकते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेश वाटर कुछ होते हैं, अब फ्रेश वाटर में जैसे हम आपको बता दें, रिवर में जैसे यूलोथ्रिक्स होता है, कहाँ रिवर में, पॉन्ड्स में स्पायरोगायरा है, पूल्स में उडोगोनियम है, ठीक है, पूल्स में उडोगोनियम, इसका एग्जांपल ये पॉन्ड्स में होते हैं, स्पायरोगायरा तालाबों में, रिवर में यूलोथ्रिक्स, पूल्स में कहाँ उडोगोनियम, ये सब। अब कुछ ये तो फ्रेश वाटर हो गए तीनों, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, उडोगोनियम कैसे हैं, ये फ्रेश एल्गा हैं, समझ रहे, फ्रेश एल्गा। और कुछ मेराइन होते हैं जो खारे अर्थात समुद्र में पाए जाते हैं, तो समुद्र में जैसे लेमिनेरिया है, इसे क्या कहते हैं, केल्प भी कहा जाता है, क्या कहता है, केल्प भी कहा जाता है। ऐसी लैमिनेरिया से क्या प्राप्त होता है, आयोडीन प्राप्त होता है मेरे भाई, आयोडीन, जिसकी कमी से क्या होता है, गेंगा रोग हो जाता है। तो लैमिनेरिया, ठीक है, इससे क्या निकाला जाता है, आयोडीन, इसे केल्प भी कहते हैं। और सार्गासम भाई, ये भी बड़ा सा है, ये भी समुद्री शैवाल है, फ्यूकस ये भी समुद्री शैवाल है, और ये तीनों कैसे हैं, ये तीनों लैमिनेरिया, सार्गासम, फ्यूकस, ये कैसे हैं, मैराइन है, ठीक है। लैमी सारग्रा जी, मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि लैमी सारग्रा जी, ठीक है, मराइन बाटे, लैमी सारग्रा जी रोड पे मराइन बाटे, मैंने आपको फार्मूला बताया था कि रोडोफाइसिक सदस्य होते हैं, क्या होते हैं, ये रोडोफाइसिक सदस्य होते हैं, रोड पे मराइन बाटे, मराइन मतलब मराइन एल्गी है, मतलब रोडोफाइसिक के जो सवाल होते हैं वो कैसे होते हैं, मराइन होते हैं। और लैमी सारग्रा जी, लैमी का मतलब लैमिनेरिया, सार का मतलब क्या, सारगैसम, समझ रहे हैं, सारगैसम, और जी का मतलब जिलेडियम, समझ रहे हैं ये सभी। तो आप समझिए, यहां पर जो रेड एल्गा है, जो रेड एल्गा है मेरे भाई, जो रेड एल्गा लाल शैवाल हैं, लाल शैवालों में जैसे कौन सा, ग्रैसिलेरिया हो गया, कौन सा, ग्रैसिलेरिया, ये रेड एल्गा है। और टेरिस्टियल, देखिए टेरिस्टियल कौन है, ये टेरिस्टियल जो कहाँ पाए जाते हैं, ऑकरसान सॉयल, कहाँ पाए जाते हैं, सॉयल में पाए जाते हैं, मृदा में, जैसे एग्जाम्पल इसका एज वाउचेरिया और नॉस्टॉक, ठीक है, नॉस्टॉक। और कुछ बेंथिक होते हैं, कहाँ, जो बॉटम तली पर होते हैं, बिल्कुल जैसे कौन, कारा कैसा होता है मेरे भाई, ये होता है बेंथिक, कैसे होता है, ये होता है बेंथिक, ठीक है। और इसमें स्पेशल टाइप का हैबिटेट कुछ होता है, देखिए पहले कुछ तो यहाँ पर ये बात भी आप ध्यान रख लीजिए, कौन सी बात है, थर्मल स्प्रिंग्स, कुछ जो है थर्मल मतलब जो ज़्यादा टेम्परेचर होता है, थोड़ा सा गर्मी उर्मी होती है, वहाँ पर भी पाए जाते हैं, जैसे मैं भी पढ़ा रहा हूँ तो इसकी इतनी ज़्यादा हीट होती है, यहाँ से उष्मा होती है, इधर से भी लाइट्स भी, थोड़ा गर्मी रहती है, तो मैं भी पा जा, मुझे कह दीजिए कि यहू कैसे हैं, बिल्कुल ये थर्मल स्प्रिंग वाले शैवाल हैं, तो मैं थर्मल स्प्रिंग वाला शैवाल हूँ, अब मेरा हाथ हाथ चल रहा है, यू नहीं होता, तो बिल्कुल हम ऐसे पड़े रहते, कहते थे तो गुरु जी शैवाल हैं, क्या है, शैवाल हैं, समझ रहे हैं, कैसे टाइप के शैवाल हैं, थर्मल स्प्रिंग है, टेम्परेचर
आला अर्थात जो इस यहाँ पाए जाते हैं लगभग 70 से 75 डिग्री जो टेम्परेचर होता है भाई, यहाँ तक ये सहन सक कर लेते हैं। जैसे कौन आसिलेटोरिया है, कौन आसिलेटोरिया है लगभग 70 से 75 डिग्री तक टेम्परेचर क्या कर लेता है, सहन कर लेता है। एक कुछ विशेष बात का है कि क्रायोफाइट्स किसे कहते हैं, ये बात तो आ चुका है, ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि क्रायोफाइट्स कौन होते हैं। तो क्रायोफाइट्स ऐसे सवाल जो कहाँ ग्रो ऑन वेरी लो टेम्परेचर, जो बहुत कम तापमान, नहीं देखिए हाई टेम्परेचर में था, कौन आसिलेटोरिया हाई टेम्परेचर में था, उग रहा था, और ये कहाँ वेरी लो टेम्परेचर में जो उगते हैं उन्हें कहते हैं क्रायोफाइट्स। क्या कहते हैं? क्रायोफाइट्स कहते हैं। जैसे क्लेमाइडोमोनास निवेलिस कहाँ रहता है, बर्फ पर, कहाँ होता है ये बर्फ कर, जिस कारण से जो बर्फ होती है जहाँ पर ये पाया जाता है तो पूरा पूरा वो रेड टाइप का दिखाता है, समझ रहे हैं, रेड टाइप का दिखता है क्लेमाइडोमोनास निवेलिस। ये कैसा है भाई? क्रायोफाइट्स है। कैसा है? क्रायोफाइट्स, जो कहाँ ग्रो करता है, स्नो पर, ठीक है, बर्फ पर उगता है, ठीक है। अगली खास बात ये कहाँ और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, बहुत दुष्ट होते हैं ये शैवाल, कैसे होते हैं दुष्ट, कहाँ कहाँ घुस जाते हैं ये, बिल्कुल शरीर के जीव के अंदर घुस जाते हैं, बाहर चल जाते हैं, पौधे शरीर के अंदर, पौधे शरीर के बाहर, ऐसे जगह राक्षस टाइप का, मतलब राक्षस नहीं कहेंगे, ये इनकी हैबिट है, समझ रहे हैं, हैबिट है, हैबिटेट। एपिफाइटिक देखिए, कुछ एपिफाइटिक भी, एपिफाइटिक मतलब ईपी मतलब बाहर, पौधे फाइट मतलब प्लांट्स, पौधों के कहाँ ऊपर उगते हैं, मजा लेते हैं, बैठ जाएंगे, अरे मैं तो बिल्कुल उग ही गया हूं, तो कौन जैसे मजा लेने वाले में स्पाइरोगायरा है, आइडोगोनियम है, स्पाइरोगायरा आइडोगोनियम दोनों ये कहां उग जाते हैं, पौधों के ऊपर भी। कभी-कभी हम लोग जाते रहते हैं ना और जमीनिया में, अब पैर हमारा बरसात इस समय चल रहा है, अब पैर हमारा अचानक ऊपर देख चले जा रहे हैं, कौन कुछ अच्छा दिख गया, सुंदर सा बिल्कुल वीआईपी चीज दिख गया, हमारी निगाह वहां पहुंची, पैर चले जा रहे हैं, अब पैर पड़ा धड़ाम से, हम क्या हो गए, गिर गए, एकदम फिसल के गिर जाएंगे, दूसरे का देखेंगे कोई देखते नहीं रहे, बेइज्जती तो नहीं हो गई हमारी, तुरंत देखेंगे कोई नहीं देख रहा है, अरे गॉड बहुत शुक्रिया शुक्रिया, कोई नहीं देखा, मेरी बेइज्जती नहीं हुई, ठीक है। तो वो सब क्या है, वो बिल्कुल शैवाल ही होते हैं, जो बिल्कुल जम जाते हैं, पानी हुआ तो वहां उग गए। तो पौधों के ऊपर एपिफाइटिक कहलाते हैं, जैसे स्पाइरोगायरा आइडोगोनियम हो गया। आईपी जो किससे कहेंगे, ईपी जो किससे कहेंगे, जो जंतुओं के कहां उगते हैं, ऊपर, जैसे क्लाइडोफोरा हो गया, आसिलेटोरिया हो गया, क्लाइडोफोरा और आसिलेटोरिया हो गया, ये कहां होते हैं, ईपी जो होते हैं। ये क्लाइडोफोरा का होता है सेल ऑफ मोलस्क, मोलस्का के कवच के सेल के ऊपर होता है, समझ रहे हैं, कहां मोलस्का के कवच के ऊपर होता है। ये कहां होता है भाई, ये होता है वही जो कछुआ नहीं होता, टर्टाइल, उसके ऊपर, उसके पिठिया के ऊपर। और इंडोजोइक क्या होता है, इंडोजोइक का मतलब क्या, जंतु के शरीर के अंदर, जंतु के शरीर के अंदर, जैसे आपको बता दें जूक्लोरेला है, ये हाइड्रा के शरीर के अंदर ये ग्रो कर जाता है, हाइड्रा के शरीर के अंदर ग्रो कर जाता है, जूक्लोरेला है ये, इसे कहते हैं इंडोजोइक। और एक है इंडोफाइटिक, इंडोफाइटिक का मतलब क्या है, पौधों के अंदर, कहाँ, पौधों के अंदर, ये जंतु के अंदर था, ये पौधों के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब पौधों के अंदर आ जाता है तो यहाँ आप समझिए, अगर पौधों के अंदर आ गया, जैसे अब यहाँ देखिए एनाबीना और एजोली, एनाबीनो एजोली, ये किसके, एजोला के अंदर, एजोला के थैलस के अंदर घुस जाता है। एजोला क्या है, टेरिडोफाइट्स है ना, टेरिडोफाइट्स है ये एजोला, टेरिडोफाइट के इसके अंदर। अब कुछ जो है, जैसे अब एंथोसिरास में कौन, नोस्टॉक भी होता है, एंथोसिरास में नोस्टॉक भी होता है, उसी तरीके से नोस्टॉक और कहाँ होता है, ये होता है साइकस की कोरेरॉइड रूट में भी होता है, साइकस की कोरेरॉइड रूट में भी, वो तो वो भी कैसा होता है, इंडोफाइटिक होता है। कैसा होता है मेरे भाई, वो भी कैसा होता है, इंडोफाइटिक होता है। और एक पैरासिटिक है, कैसा है, एक है पैरासिटिक, ठीक है। अब एक परजीवी, पैरासिटिक टाइप का, देखिए यहाँ पर क्या है पैरासिटिक में, ये जैसे सिफेल्यूरस वायरसेंस, ठीक है, सिफेल्यूरस वायरसेंस है। अब ये कहाँ, ये दूसरा का है सिफेल्यूरस आर्वेन आर्वेन अरेबिका, ठीक है, अरेबिका, सिफेल्यूरस अरेबिका है, और एक है सिफेल्यूरस वायरेंस है। तो ये सिफेल्यूरस, आप ये सामान्य रूप से अगर आ गया, स्पीसीज नहीं दिया, तो सिफेल्यूरस चाय पर भी आ जाता है, सिफेल्यूरस कॉफ़ी पर भी होता है, कहाँ होता है, कॉफ़ी पर भी होता है ये, चाय पर भी, लेकिन स्पीसीज की बात करेगा तो ये वायरेंस, ये कहाँ है, ये है टी पर, आर्बेंस सॉरी अरेबिका कहाँ, ये है कॉफ़ी पर, ठीक है। अब कुछ स्पेशल हैबिटेट हैं, स्पेशल हैबिटेट में जैसे फाइटोप्लैंकटन की बात कर देता है, किसकी बात कर देता है मेरे भाई, फाइटोप्लैंकटन की। तो फाइटोप्लैंकटन की एग्जांपल में जैसे डायटम्स हैं, कौन हैं डायटम्स, ये कहाँ उगते हैं डायटम्स, ये ऑन सरफेस ऑफ वाटर, यानी जल की कहाँ, एकदम कहाँ, जल की सरफेस पर आ जाते हैं, कौन डायटम्स, जब डायटम जल की सरफेस पर आ जाते हैं तब ये इसको कहते हैं फाइटोप्लैंकटन, क्या कहेंगे, फाइटोप्लैंकटन कहेंगे। अब
देखिए कुछ रेड सी होते हैं लाल सागर में, लाल सागर में देखेंगे उसका पूरा पानी है कैसे दिखेगा, लाल लाल दिखेगा। तो ये किसके कारण लाल दिखता है, ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम, ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम के कारण। देखिए वाटर रेड ऑफ सी यानी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम द वाटर ऑफ रेड सी सोज द रेड, समझ रहे हैं उसका पूरा मतलब। लाल सागर कहेंगे लाल सागर काहे कहते हैं, तो लाल सागर इसलिए कहते हैं क्योंकि ट्राइकोडिस्मियम जो इरिथ्रियम है ये पूरा रेड कलर का अलग होता है, और जिस कारण जब रेड कलर है तो उसके बाहर से देखें तो पूरा लाल लाल पनिया दिखेगा, समझ रहे हैं। तो इसको कहते हैं क्या, ये हो गया रेड, लाल सागर में पाया जाता है। कौन लाल सागर में पाया जाता है, ट्राइकोडिस्मियम इरिथ्रियम। और रेड स्नो कुछ बर्फ ऐसी होती है लाल दिखती है, कैसी दिखती है, लाल दिखती है। अभी मैंने बताया था किसके कारण, क्लाइमाइडोमोनास निवेलिस, जो क्लाइमाइडोमोनास निवेलिस है ये कहां होता है, बर्फ पर, और ये जहां पाया जाता है तो रेड पिगमेंट इसमें होता है, जिस कारण से पूरी बर्फ कैसी दिखती है, लाल दिखती है। रेड कलर ऑफ स्नो, बर्फ का रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है, ठीक है। अब यहां पर अगली बात करने चल रहे हैं वाटर ब्लूम की, किसकी बात कर रहे हैं हम, वाटर ब्लूम की। तो यहू देख लीजिए वाटर ब्लूम क्या है, बहुत आता है मेरे भाई, बहुत आता है वाटर ब्लूम, ठीक है। तो इसकी भी हम बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, वाटर ब्लूम की। किसकी बात करते हैं दोस्त, करते हैं हम बात वाटर ब्लूम की, ठीक है, समझिए। द ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरित शैवाल जैसे माइक्रोसिस्टिक हो गया, नास्टाक हो गया, ऑसिलेटोरिया हो गया, ये कौन, ब्लू ग्रीन एल्गी है, माइक्रोसिस्टिक है, नास्टाक है, ऑसिलेटोरिया है, ग्रो रैपिडली बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, बिकम टॉक्सिक, जल की सतह पर बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, मार उग जाते हैं, लपलपा जाते हैं, चमचमा जाते हैं। मतलब अगर कहीं जल है उसकी सतह पर बहुत ढेर सारे जब सवाल बहुत तेजी से उग जाएं, रैपिडली ग्रो कर जाएं, समझ रहे हैं, और वो पानी कैसा हो जाए, टॉक्सिक हो जाए, विषाक्त हो जाए, तब उस कंडीशन को क्या कहते हैं, वाटर ब्लूम कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्त, उसको कहते हैं वाटर ब्लूम कहते हैं। तो ये भी आ गया है कि वाटर ब्लूम क्या होता है, तो आप यही समझिएगा। अब वाटर ब्लूम बनाने का कारण, बनाने के पीछे सवाल कौन है, तो आप भूलिएगा नहीं, माइक्रोसिस्टिक हो गया, नास्टाक हो गया, ऑसिलेटोरिया हो गया, यही क्या करते हैं, रैपिडली ग्रो कर जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। दिस कंडीशन या दिस प्रोसेस नोन एज वाटर ब्लूम, इसे कहते हैं वाटर ब्लूम। तो दोस्त आज अभी देखिए हम आपको बता दें, चलिए इसमें एक लेक्चर और बना देते हैं, ठीक है, इसमें एक लेक्चर और बना देते हैं क्योंकि इसका रिप्रोडक्शन भी पढ़ना है, तो आज तो फिनिश नहीं हो जाएगा। तो चलिए, हमने बताया कि दिन में दो हम लेक्चर आपका देंगे, एक तो दोपहर के टाइम में और एक अपनी इस क्लास में जो 9:30 बजे की क्लास होती है, ठीक है। तो चलिए दोस्त, अच्छा एक बात और, मैंने अपने अगले वाले प्रश्न में पिछले वाला जो लेक्चर था आपसे पूछा था जीव और जंतु में क्या अंतर है, ठीक है। तो जीव और जंतु में क्या अंतर है आप समझिए, इसको समझ लीजिए। देखिए जीव बराबर होता है जंतु प्लस वनस्पति, क्या होता है, जीव बराबर जंतु प्लस वनस्पति, अर्थात जंतु और वनस्पति, अगर पेड़ पौधे दोनों होंगे तो उसे कहेंगे जीव, अब जंतु किसे कहेंगे, जीव में से वनस्पतियों को हटा दीजिए, तो लिख दीजिए कि जीव माइनस वनस्पति बराबर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे जंतु, क्या हो जाएंगे जंतु। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि सभी जंतु जीव होते हैं लेकिन सभी जीव जंतु नहीं होते हैं, सभी जंतु जीव होते हैं लेकिन सभी जीव जंतु नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ जीव क्या होती हैं, वनस्पतियां भी होती हैं, समझ रहे हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो दोस्त चलिए आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।